महान राजाओं, मैं राजा रॉबर्ट, अस्पानिया के राजतंत्र का शासक और रिवाद्रीन कासल का ईश्वर, आप सभी बेहतरीन शासकों को एक अति आवश्यक संदेश देना चाहता हूँ। मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी एलन 3 हफ्तों बाद 20 साल की हो जाएगी, लेकिन उसके जन्मदिन के साथ एक चेतावनी भी साथ आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं उस चुड़ैल के बारे में जिससे आपकी तरफ के लोग भी डरते हैं, उसने मुझसे बदला लेने की ठानी है, जिसका नाम है मोरीन। लगभग 20 साल पहले उसने मेरी बीवी की जान ले ली थी और मेरी बेटी को एक श्राप दिया था। हम सालों से एलन को उस श्राप से मुक्त करने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि आज रात हमारे मुख्य रसायनिक ने एक किताब ढूंढी है जिसे हम भुला चुके थे, और इसी कारण मैं आप सब महान राजाओं को ये पत्र लिख रहा हूं। ये श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे आप सब की मदद की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। सुबह होते ही मेरे सैनिक आप सबके पास ये संदेश लेकर पहुंच जाएंगे। जो भी राजकुमार मेरी बेटी का दिल जीतेगा और हमें इस खतरे से बाहर निकालेगा जिससे हम पिछले 20 वर्षों से डरते आए हैं, उस राजकुमार को ये जो कौवे हमारे ऊपर मंडराते रहे हैं, ये उस चुड़ैल मोरीन की आंखें हैं। ये पुराना हो गया। ओ, राजकुमारी उठ गई। अब सुनो, अरे इधर सुनो, पहला चुड़ैल का शिकार शिकारी चुड़ैल का सामना करता है और वो धनुष को उसके ऊपर निशाना लगाते हुए खींचता है और तीर चला देता है। शुभ प्रभात राजकुमारी जी। तुम्हारा क्या मतलब है राजकुमारी? तुम मुझे राजकुमारी बुलाते हो, महारानी क्यों नहीं बुला सकते? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी जी। हैं?
ये नया सिपाही है फ्रैंक, हमारे समूह में अभी अभी भर्ती हुआ है। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, मैं आपको बताना भूल गया। ये मेरे लिए सम्मान की बात है राजकुमारी। पता नहीं था कि हम अपने सिपाहियों को कम कर रहे हैं। इसके पूर्वज महल से भाग गए, इसके बारे में पता है क्या आपको? तुम्हें कैसे समझाऊं, कम से कम मुझे मेरा जन्मदिन तो अपने आप मनाने दो। आज मुझे महल के बाहर भी नहीं जाने देंगे। मेरा ख्याल रखने के लिए नैनी है। रुकिए राजकुमारी, मुझे क्षमा कर देना। महाराज ने हमें आदेश दिया है कि आज हम पूरा दिन आपका ध्यान रखें। हमारी बहादुर लड़की। बेकार का श्राप, सब बकवास है, तुम बड़ी हो गई हो। ये तीसरी मर्तबा है। ये सब मेरे जन्मदिन के लिए है? हाँ, बस कुछ ही चीजें बाकी हैं, फिर ये तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हारा मन है तो खा लो। मैं कैसी दिखूंगी अगर मैं वो सब चीजें खाने लगी जिन चीजों को मैं खाना चाहती हूँ? वैसे भी क्या फायदा इस सारे उत्सव का जब पता है कि श्राप आने वाला है। देखो, ये कोई मजाक नहीं है एलन, ये उत्सव तुम्हारे चाहने वालों के लिए भी है। चाहने वाले, या फिर आखिरी और आशाहीन कोशिश उस श्राप को खत्म करने की। कबूतर के जरिए एक संदेश आया है, राजकुमार जॉन भी आ रहे हैं। ये लीजिए आटा। हम एक दूसरे को जानते हैं और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से उसे लगता है कि मैं घमंडी हूं। क्या कहा, घमंडी? वो आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कितना अजीब है ना। उसने मुझसे कहा था कि मैं अच्छी हूं, खूबसूरत हूं, और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसको तो ठीक से मजाक करना भी नहीं आता। ओह, इससे मुझे याद आया कि केक बनाने के लिए मुझे कुछ सेबों की भी जरूरत है। एलिस, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये आखिरी है तुम्हारे पास यहाँ। तो फिर अब बाजार कौन जाएगा? मैं। आप भूल रही हैं कि आपको महल के अंदर ही रहना है। पर अगर देखा जाए तो बाजार महल के अंदर ही है। नहीं, हर रोज की तरह इसमें जो लिखा है वही लाना है। आप कहीं नहीं जा रही हैं। क्या आपको पता नहीं है कि आज क्या दिन है? राजकुमारी जी रुकिए, आप यहीं रुकिए। रुक जाइए राजकुमारी जी। तो बाजार से सामान कौन खरीदेगा? राजकुमारी जी, केक खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट केक है। एक बार चखिए। ये लीजिए ना। ये इस बार पता नहीं किसको पागल। राजकुमारी जी, दिन एक बार चखकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। शहर वाला केक, जन्मदिन की एक बार खाकर देखिए। आइए आइए, मेरी जादू की नगरी में आपका स्वागत है। जो मेरी एक पहेली को सुलझाएगा उसे मैं अपनी तरफ से 4 गुरुसे दूंगा। बहुत बढ़िया नौजवान, अब आ भी जाओ। आ जाओ आ जाओ, हारने से मत डरना, ठीक है? मैं नहीं हारूंगा। क्या आप भी आना चाहेंगी? अगर आप मेरी पहेली को सुलझाएंगे तो आपको 4 गुरुशे मिलेंगे। हाँ बेटी, एकदम ताजे हैं, लेके तो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी पहेली को। किसी ने भी आज तक उसे नहीं देखा, लेकिन वो हमारे चारों तरफ रहता है। दुकान में आइए ना। कुछ लोग उसे प्यार करते हैं और कुछ लोग उससे नफरत। कितने दे दूं? मिलके अच्छा लगा। आप जब भी उसका नाम लेते हैं वो गायब हो जाता है। ये देखिए, तो बताइए क्या है वो? सुप्रभात राजकुमारी जी। शुभ प्रभात। आपको क्या चाहिए? इसके बारे में कोई खास बात? देखो, अरे उधर मिलेगा। मैं हंसने के मूड में नहीं हूँ। दे दूं? वहाँ से ये लीजिए। मुझे चाहिए। तो इन सब सब्जियों के हो गए 20 पैसे। तो ठीक है, ये लीजिए, ये है आपके पैसे। सब्जियां ले लो। अरे आपसे शुक्रिया। कैसे दिया भाई? राजकुमारी जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसमें से दे दो। हाँ पूछो। और वो भी। क्या आपको शाम होने का डर नहीं है? टमाटर भी दे देना।
ये लो पैसा। चलो चले। मुझे माफ करना नौजवान, लेकिन आपका समय पूरा हुआ, अब ये सारे ग्रोशे मेरे हुए। चलिए जाइए। बहुत बढ़िया, अब क्या करें बताओ। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे पास और पैसे नहीं है। तुम्हें वो पहली पहेली सुलझानी चाहिए थी, वो कितनी आसान पहेली थी, एकदम बुद्धू हो। ठीक है, मेरी पहेलियाँ बहुत ही आसान है। रसायनक आर्किबाल्ड पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। पड़ोसी राजतंत्र से एक चुड़ैल के बारे में अफवाहें सुनने में आ रही हैं, जो एक कौओं के झुंड के साथ है। क्या ये वही है जिसका हमें डर था? मेरे दोस्त, क्या वो वाकई वापस आ गई है? कौओं के ये झुंड हमारी जमीन के ऊपर है। आर्किबाल्ड, मुझे कविताएं नहीं सुननी हैं। जो मुझे चाहिए वो है उम्मीद। मैं जानता हूं सब कुछ नियंत्रण में है। हमने वहां दुगने सिपाही लगा दिए। चुड़ैल के शिकारी दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज रात मैं दावत में आपका साथ दूंगा। कितने लोग आ रहे हैं और राजकुमारी के बारे में क्या? सिर्फ राजकुमार जॉन ही आ रहे हैं और कोई नहीं। सिर्फ राजकुमार जॉन? ओह, तो आप यहां पर हैं। ए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या है? मैंने सेब लाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? शायद मार्था इसमें सेब डालना भूल गई होगी। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो चलो आ जाओ। राजकुमार जॉन के बारे में क्या ख्याल है? वो एक बहुत अच्छे परिवार से हैं और बहुत दयालु भी हैं। क्या बस भी करेंगी? दया करिए, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? राजकुमार जॉन पधार रहे हैं। स्वागत है राजकुमार। महाराज की जय हो। आपके पिता का क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो और खुश होते अगर मैं महल में ही रुक गया होता तो। उम्मीद है वो चिंता नहीं करेंगे। हमने सुना है आपने तलवारबाजी की काफी प्रतियोगिताएं जीती हैं। आपके पास अभी भी वक्त है वापस जाने के लिए। काफी अरसे पहले मैंने राजकुमारी से एक वादा किया था और मैं वो वादा तोड़ूंगा नहीं। आप जुबान के पक्के हैं, हम इसकी कद्र करते हैं। ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए हमें काम की बात करनी चाहिए। जी हाँ, कई सालों की खोज के बाद हमें एक पुराना लेख मिला है जो संकेत देता है कि कैसे उस जादू को तोड़ सकते हैं। चाहे कितना भी शक्तिशाली श्राप क्यों ना हो, वो ऐसे प्यार के आगे कुछ नहीं। ये किसी की मौत के डर से ज्यादा शक्तिशाली है। प्यार इतना पाक और निडर कि वो मौत से भी न डरे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? जैसा कि मुझे याद है, तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के काफी नजदीक थे। उसके अंदर प्यार को जगाओ। इस फूल के जरिए सब ठीक हो जाएगा।
अंदर आओ, चुड़ैलों के शिकारी आ रहे हैं। मेरे महाराज आपकी जय हो। महाराज की जय हो। अगर नहीं कर सका तो मुझे लगा तुम राज्य से भाग गई हो और तुम देर से आई हो। किसी को तो तुम्हारे साथ यहाँ रुकना ही होगा। तो क्या तुम इस श्राप को कबूलती हो? फिर से? वैसे ही कोई नहीं जानता कि उस चड़ैल ने मुझे श्राप दिया है या नहीं। बस दो ही लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, मेरे पिता और आर्किबाल्ड। कोई नहीं, ठीक करो, अभी भी नीचे है, थोड़ी ऊपर। बढ़िया। कोनी की वजह से नहीं, और तुम खुद भी यह बात जानती हो। तो फिर वो कैसे उसे जादू बुला रहे हैं? जब सूरज पूरी तरह से डूबेगा उस तीसरे पहाड़ के पीछे अंधेरा हमारे महल को घेर लेगा। क्या बात है, तुम क्यों हर बार इसके बारे में बात करती हो? इससे तुम्हें परेशानी होती है ना? मुझे परेशानी? अपनी आंखें बंद मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। दोनों आंखों से निशाना लगाओ। तो तुम्हें भी लगता है कि आज रात को कुछ होगा? हाँ, मुझे एक चुम्मा मिलने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ दूसरे के भरोसे रहो। उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। आपका स्वागत है राजकुमार। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं राजकुमारी से बात करना चाहता हूँ। मैं आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगी, पर राजकुमारी अभी अपनी पोशाक पहनकर देख रही हैं। ठीक से करो। पोशाक छोटी पड़ गई है। क्या कर रही हो, ये ठीक से नहीं बैठ रहा। आप आज रात खाने पर उनसे मिल सकते हैं। उन्हें दे दूंगी। अरे वो काफी ठीक रहा। उन्होंने तुम्हारे लिए गुलाब भेजा है। बहुत अच्छी बात है। फूलदान खिड़की के पास है। शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, पर उन्होंने अपने पारिवारिक पोशाक पहन रखे थे। क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं हमेशा लाल पहनती हूं। हाँ।
आप सभी खड़े हो जाइए, हमारी राजकुमारी एलेन पधार रही हैं। मैं कदरदान हूं राजकुमारी, उन्हें चूम लीजिए। अमेलिया, शांत हो जाइए, महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा अपनी इकलौती बेटी के 20वें जन्मदिन पर। उसने इतने सालों तक काफी कुछ सहा है, ये सोचते हुए कि उस पर किसी चुड़ैल का श्राप या जादू है, उसने अपना जीवन बहुत डर कर काटा है। इस डर से इस राज्य की लगभग आधी प्रजा यहां से पलायन कर चुकी है, और इसीलिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा जो अभी भी हमारे साथ हैं। अपने अपने ग्लास उठाइए, हमारी राजकुमारी के लिए और उसकी आने वाली जिंदगी के नाम। और अब जबकि राजकुमार जॉन भी यहां मौजूद हैं, तो आइए हमारे राज्यों की खोई हुई दोस्ती और सहयोग के लिए खुशियां मनाएं। मैं हुक्म देती हूं तुम्हारी बेटी को डर में जीने का। उसके 20वें जन्मदिन पर जब रोशनी की आखिरी किरण तीसरे पहाड़ के पीछे ढलेगी, तब तुम्हारे महल को अंधेरा निकल जाएगा। ये काला तूफान है, तुम्हें अब उसे चूमना होगा इसी वक्त। इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था।
सफेद गुलाब। ओ राजकुमारी उठ गई। पहला चुड़ैल का शिकार। शिकारी ने चुड़ैल का सामना किया, उसने धनुष को लंबा खींचा और उस चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। सुप्रभात राजकुमारी जी। मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि महारानी बोलना है मुझे। मैं तो यहाँ कल आया ही नहीं था। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी जी। जन्मदिन साल में एक ही बार आता है ना। आप ठीक तो है ना राजकुमारी जी। मैं आपको बताना भूल गया, ये नया सिपाही है फ्रैंक और इसकी नई नई भर्ती हुई है हमारे समूह में। हमारी राजकुमारी आज अब बड़ी हो गई हैं। बेकार का श्राप, सब बकवास है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। ये तीसरी मर्तबा है आज। ये क्या मेरे जन्मदिन के लिए है? हाँ, बस कुछ ही चीजें बाकी हैं, फिर ये तैयार हो जाएगा। कोई परेशानी है? मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? बाजार जाना है मुझे। राजकुमारी जी कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए। एक बार केवल चार ग्रोश से आप कई गुना ज्यादा जीत सकते हो। मेरी पहेलियां बहुत ही आसान होती है, उन्हें सुलझाओ और जीत जाओ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सारे बच्चों के लिए जूते खरीद सकें। देखो मुझे ये करना ही होगा। सूफी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लड़के तो एक बार के लिए ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, बस तुम हारना मत। मैं नहीं हारूंगा। हाँ बेटी, तुम जानती हो ना मैं पहेलियां बुझाने में कितना अच्छा हूँ। बहुत अच्छे, आ जाओ नौजवानों। और तुम भी आना चाहोगे? तुम दिखने में समझदार लगते हो। सुप्रभात राजकुमारी जी। मेरी पहेलियां इतनी आसान होती है कि बच्चे भी सुलझा सकते हैं। किसी ने भी उसे नहीं देखा है, हालांकि वो अक्सर हमारे आसपास रहता है। कुछ लोग उससे प्यार करते हैं और कुछ लोग नफरत करते हैं। राजकुमारी जी, अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। किसी ने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे चारों तरफ होता है। कुछ लोग उससे प्यार करते हैं और कुछ लोग उससे नफरत। और जब आप उसका नाम लेते हैं, वो गायब हो जाता है। बताइए क्या है वो? ओ, तो आप यहाँ पर हैं? और केक के लिए सेब कहाँ है? उसके पास नहीं थे। और राजकुमार जॉन के बारे में आपको क्या? वो मुझे पसंद नहीं करता और ना ही वो दयालु है। उन्होंने तुम्हारे लिए गुलाब भेजा है। फूलदान खिड़की के पास है। वैसे तुम ये लाल पोशाक क्यों पहन रही हो? कुछ और पहनने वाली थी ना? राजकुमार ने क्या पहना था? लाल गुलाब लाल है। शांत हो जाइए, महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं दिल खोलकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा।
सफेद? अच्छा तो ये सफेद है। चंदा, क्या तुम ठीक हो? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। उसने धनुष खींचा और चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और उसके बाद मार दिया उसे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं राजकुमारी जी। कितनी बार कहा है महारानी बोलो। हमारी राजकुमारी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, मुझे परवाह नहीं है। बेकार का बकवास है ये सब, बकवास है। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। कहाँ जा रही हो तुम? भागो, काला तूफान आ रहा है। काला तूफान? कोई परेशानी है क्या? क्या आप जानती है कि मुझे कैसे पता कि आप कहने वाली हैं राजकुमारी? क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता? मैं हर दिन आज को ही जी रही हूँ बार बार। मैं फिर से 20 साल की हो गई हूँ, कम से कम तीसरी बार। 3 बार 20 की हो गई? वाह, क्या बात है। फिर तो हमें केक के लिए और ज्यादा मोमबत्तियां लगेंगी। मेरा मतलब पूरे 20 साल नहीं, सिर्फ आज का दिन कहा मैंने, ये दिन। एलन, मैं समझ सकती हूँ कि आप आज रात को लेकर बहुत डरी हुई हैं। ऐसा होना बहुत लाजमी है बेटा। आप 20 साल से इस बात का इंतजार कर रही हैं कि क्या ये श्राप सच है। क्या आप समझ पा रही हैं जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, बाजार? बाजार? क्या आपको बाजार नहीं जाना? और ये मुझे कैसे पता लगा? ये इस पर सामान लिखा हुआ है जो मैं रोज लेने जाती हूँ। 2 चुकंदर, 10 आलू बुखारे, 4 अजमोद की जड़ें, प्याज और टमाटर। बस कीजिए। क्या बकवास है ये सब? आप फिर से सेब भूल गईं। फिर से सेब? मैं हर रोज ये सामान का पर्चा यहाँ रखती हूँ ताकि मैं कुछ भूलू ना। और ये दोनों मेरी मदद करने वाली बाजार से जाकर सामान ले आती हैं। लेकिन आज आपने मुझे भेजा था। आपको? आपको महल के अंदर रहना चाहिए। एलिन, ये आपको क्या हो रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं जानती हूं तुम आज रात को लेकर डरी हुई हो, लेकिन इसे इतनी भी गंभीरता से मत लो। क्या श्राप में ये दिन बार बार जीने के लिए कहा गया था? नहीं ना? आप क्या छोड़ना चाहती हैं? आज? और ये कल में क्यों नहीं बदल रहा? कम से कम मुझे इस महल में कैद तो नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह का नजरिया रखेंगी तो जहां भी रहेंगी उदास ही रहेंगी। पर कम से कम मैं नदी के किनारे मैदानों में घोड़ा तो दौड़ा सकूंगी। एलन, आज आप जहां पहुंचना चाहती हैं उसमें इतनी खोई हुई हैं कि आज के बारे में सोच ही नहीं रही हैं। आज? क्या आप सच कह रही हैं? याद है जब आप छोटी बच्ची थी, आप हर दिन अपने लिए कुछ न कुछ तलाश कर लेती थी। हर पल को जियो। हर पल को जियो। मुझे पता है कि तुम बहुत कदरदान हो गए हो, लेकिन तुम मुझे चूमने के लिए बेताब हो, है ना? आखिर ये किस तरह का मजाक है? तो सब सुनिए, इससे पहले कि मेरे प्रिय पिताजी राजकुमार जॉन से कहे कि वो मुझे चूमे,
ये बेवजह ही होगा और इससे पहले कि हमारा राज्य धूल में भस्म हो जाए, मेरे प्रिय पिताजी मेरी सलामती के लिए और मेरे जन्मदिन के अवसर पे कुछ कहना चाहेंगे। शांत हो जाइए, महाराज कुछ कहना चाहते हैं। मैं अपनी इकलौती बेटी एलेना के लिए कुछ कहना चाहूंगा, उसके 20वें जन्मदिन पर। ऐसा मत कीजिए। उसने ये सारे साल सहे हैं इस डर में कि उसकी जिंदगी एक श्राप, एक जादू से बंधी हुई है, एक चुड़ैल की वजह से। इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा हमारा साथ देने के लिए। तो आइए ग्लास उठाते हैं हमारी राजकुमारी और उसकी आने वाली जिंदगी के नाम। तो तैयार हो जाइए। वो दौड़ गई। चूहे को पकड़ो। हो गया। राजकुमारी जी रुक जाइए। राजकुमारी जी, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? क्या तुम्हें मोटे होने का डर नहीं? मैं एक दिन में मोटी नहीं हो जाऊंगी। चलो। वाह, इतना बुरा भी नहीं है। एक औरत सीधे हाथ की ओर से। जय हो, आपका स्वागत। सांस अंदर खींचो और सांस बाहर छोड़ो। राजकुमारी जी, आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो तुम भरोसा करती हो कि आज रात कुछ होने वाला है? हाँ, मुझे चुम्मा मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी पहेलियां सुलझाओ और मैं आपको दूंगा 4 गुना ग्रोशे। किसी ने उसे आज तक देखा नहीं, हालांकि वो चारों तरफ होता है। तो बताइए। ये बहुत स्वादिष्ट है, चक्कर देखिए, ताजे शहद से बनाया है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी है, क्या बात है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्या बात, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ले चलो, ले चलो, छोड़ो मुझे। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? जो भी कुछ मैं करती हूं उसका कोई मतलब नहीं होता। मुझे बताओ अमेलिया, क्या फायदा उस खुशी का जो मैं किसी के साथ बांट ही ना पाऊं? तुम उन्हें मेरे साथ बांट सकती हो क्या? तुम सुबह होने तक उन सब के बारे में भूल जाती हो। मैं हर रोज ये एक ही दिन जिए जा रही हूँ, बार बार। एलेन, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ, मुझे कोई डर नहीं है आज के दिन का, और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। क्या आप सोच रही हो कैसे? तो बस रुको, तुम्हारे हाथ में 6 पुतियां हैं लसन की।
आपके पर्स में 3 ग्रोशे हैं और आपको कुछ सेब चाहिए केक के लिए। बहुत अच्छे, आप मेरा ध्यान खींच रही हैं। तो ग्रोशे की वजह से आप मेरा विश्वास कर रही हैं? हाँ। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? जहां तक मैं समझ रही हूँ, राजकुमार जॉन इस उत्सव में आ रहे हैं और ये आपको भी अच्छे से पता है, और उनकी मदद से शॉप टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या आप जानती हैं मुझे कितनी बार वो अच्छा वाला चुम्मा मिल चुका है बिना वजह? ओह मेरी प्यारी बच्ची, पर मैं इस वक्त बात कर रही हूँ प्यार की। लेकिन आर्किबाल्ड ने कहा है कि आर्किबाल्ड बेवकूफ बूढ़ा कहीं का, उसे क्या पता प्यार के बारे में। तो फिर क्या? तो फिर शाप को तोड़ने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो है प्यार। मुझे माफ कीजिएगा महाराज, आपसे कोई मिलने आया है, वो राजकुमारी एलन है। उन्हें अंदर आने दिया जाए। कहिए मेरी रानी। मेरे राजा, हालांकि हमारी पिछली मुलाकात थोड़ी अच्छी नहीं रही, पर क्या आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे दोपहर में तीरबाजी और कुछ ग्लास ऑस्पिशन मदिरा के लिए? इत्तेफाक से मैं तीरबाजी में अच्छा नहीं हूं, लेकिन तलवारबाजी में माहिर हूं, पर फिर भी मैं इसमें आपके साथ समय बिताना चाहूंगा। कहिए रानी। मेरे राजा, हालांकि हमारी पिछली मुलाकात थोड़ी अच्छी नहीं रही, पर क्या आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे दोपहर में तीरबाजी और कुछ ग्लास ऑस्पिशन मदिरा के लिए? सच कहूं तो मैं मदिरा नहीं पीता हूं राजकुमारी, पर आपका चाय के बारे में क्या ख्याल है जिसमें दूध और दालचीनी पड़ी होती है? एक कप चाय दूर ओलेरिया से, जिसमें दूध की बूंदे और चुटकी भर दालचीनी। ये तो मेरी चाय की तरह लग रही है। अजीब इत्तेफाक है ना? मेरा ख्याल है सवारी पर जाने से पहले मेरे पिता आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। राजकुमारी, ये घोड़े किस? एलन, तो मुझे एलन कहते थे जब हम बच्चे थे, और हाँ ये घोड़े बर्सियन हैं। राजकुमार जी। रुको, वो राजकुमारी हैं। हेलेन, रुक जाओ। मुझे लगा था तुम्हारा घोड़ा तेज होगा राजकुमार। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता मेरी राजकुमारी। अच्छा, देखते हैं फिर।
तुम्हें उसे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आदत सी हो गई है। जैसा कि मुझे याद था, ये मेरे समय का ऋण है। हाँ, पहली रूनिक लिखावट मुझे से। पता है तिमरेल स्मेल से। हाँ, तिरमेल, वो तिरमेल है। तो तुमने मुझे फिर से एक बार सुधारना शुरू कर दिया है ना। कुछ याद आया? नहीं, 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 तुम क्या कर रहे हो? सालों लग जाएंगे इसे कंघी करके बाहर निकालने में। तुम्हें घर पर ही रुक जाना चाहिए था। खैर, फिर से कोशिश करते हैं। एलन, रुक जाओ। अच्छा, देखते हैं फिर। जैसा कि मुझे याद है, ये एक रून है। समय, ये पहली रूनिक लिखावट से आते हैं। क्या तुम्हें याद है कुछ? अरे, ये लो। ये लो। अरे, मुझे माफ करना, मुझे देखने दो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं, बताओ ना। मेरी माँ भी मेरा ख्याल हमेशा इसी तरह से रखा करती थी। अच्छा, तो वो अब नहीं रखती हैं? नहीं, उनको गुजरे 11 साल हो गए। मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। माफ करना। कोई बात नहीं, काफी पुरानी बात है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो कोई भी नहीं जानता है। पिताजी, क्या मैं राजकुमार जॉन के पास बैठ सकती हूं? बिल्कुल बैठ सकती हो। तुमने फिर से ये लाल पोशाक क्यों पहनी है? तुम्हारे पास कोई दूसरी पोशाक नहीं है? राजकुमार जॉन से मिलने की वजह से। ये क्या, तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते?
एक और कीमिया सबक हाँ? बस आखिरी बार इम्तिहान की तैयारी, निशानेबाजी करते हैं। जरा रुको, शायद हम कल चलें। आओ, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे मालूम है जन्मदिन के बारे में। मैं सोच रही थी कि आपकी क्या उम्र होगी, क्योंकि अब आप ज्यादा जिद नहीं करते जन्मदिन को मनाने के लिए, है ना? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं बताओ? आपने इसके बारे में सही से गौर नहीं किया है आर्किबाल्ड। कितना बेवकूफी वाला सुझाव है कि राजकुमार को बुलाकर मुझे चुम्मा देने का। एक चुम्मे को सच्चा प्यार समझ लेना। मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि ये काम नहीं करने वाला। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं हर रोज ये ही दिन जी रही हूँ बार बार, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। किसी अंक के बारे में सोचिए। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। क्या तुम्हें मेरा वो जादू याद है? उसका असर याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो फिर बताओ मुझे। मैं पहली रौनक लिखावट की आत्माओं का आह्वान करती हूँ। तुम्हारी आत्मा की सलामती के लिए आशा करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा की सलामती के लिए मैं आशा करती हूँ। उस वक्त मैं इतना गंभीर नहीं था, लेकिन मैं अक्सर इसके बारे में सोचता रहता हूँ और आशा कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगी और मुझे कुछ ऐसा बताओगी। अपना हाथ दिखाओ मुझे। कितने दिन हो गए हैं? पक्का नहीं पता, लेकिन अभी तक लगभग 30 जन्मदिन मना चुकी हूं मैं। अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। या तो तुम्हें सच्चा प्यार ढूंढना होगा, या फिर मुरीन को मारना होगा जिसने जादू किया। ये चुड़ैल के शिकारी का काम था। कल सुबह उसने आगे वाले किले पर कब्जा कर लिया है। क्या तुमने कौओं का झुंड देखा? कौओं का झुंड हमारी जमीन पर है। बस भी कीजिए, खुद जाकर देखो, लेकिन अपना ख्याल रखना। हमने इसे पहले ही दो बार पढ़ लिया है, इसे आर्किबाल्ड को वापस दे देना चाहिए। हाँ, और कितना पढ़ोगे? एक, दो, क्रिस्टल गिर गया और चुड़ैल की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या ये ठीक है? हाँ, थोड़ी सी मिट्टी लग गई है इस पर। क्या सिपाही तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? हाँ वो तो ढूंढेंगे ही। राजकुमारी जी, कहाँ चली गई? राजकुमारी जी, तुम्हारी किताब की वजह से हम परेशानी में फंस गए। चलो ढूंढते हैं, चलो। राजकुमारी जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं महल में जाना चाहती हूँ। महल में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हम चुड़ैल के शिकारी हैं और हमें अपना काम करने दीजिए, वही बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो। हम्म,
दरवाजा खोल जा। वो काम चुड़ैल के शिकारियों का है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो उस दरवाजे की सीमा को भी पार नहीं कर पाए। एलन हजरत, क्या होने वाला है, तुम्हें इसका कुछ अंदाजा है? जैसे ही सूरज डूबेगा पहाड़ों के पीछे, एक काला तूफान आएगा। काला तूफान? क्या ये काम मुरीन का हो सकता है? वैसे उसे क्या चाहिए था जो उसने ऐसा किया? तुम्हारी आत्मा। राज्य को काले तूफान से बचाने के लिए जो कि अब लगता है कि इसके पीछे उसी का हाथ है, ये जानता हूं। मेरी आत्मा? अब पर उसे मेरी आत्मा क्यों चाहिए थी? जादू के कुछ उसूल होते हैं एलन। तुम्हारी आत्मा उसे अमरता प्राप्त करा सकती थी अगर उसे तरीके से किया जाता। तुम्हारे जन्मदिन के सातवें दिन ये बात मुझे अब समझ में आ रही है कि ये सब उसने बहुत पहले सोच रखा था। मुरीन राज्य को बचाती अगर तुम्हारे पिता उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर देते, चाहे वो ख्वाहिश कुछ भी क्यों ना हो। एक ऊंची मीनार में खड़े अपने राज्य को जलता देख रॉबर्ट के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो सब देख रहे थे। काला तूफान चला गया और मुरीन भी। लेकिन फिर वो एक साल बाद वापस आई तुम्हारी आत्मा मांगने। राजा ने उसी वक्त मना कर दिया और उसके बाद सब जानते ही हैं, मुरीन ने उस दिन तुम्हें श्राप दिया था। लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ पर एक प्राचीन ऋण गढ़ दिया था जो जादू तंत्र मंत्र से तुम्हें बचाने के लिए था। इसलिए जैसे ही काला तूफान आने वाला होता है, तुम्हारे दिन वापस शुरू हो जाते हैं। हर बार समय का ऋण तुम्हारी सहायता कर रहा है। क्या वो दरवाजे की सीमा भी पार नहीं कर पाए? उस किले को किसी शक्तिशाली जादू मंत्र से बांधा गया है। वो पुराना कुंडलित लेख, वैसे तो ये पहले हुआ करता था, पर अब हो सकता है वो अब भी असर करे। और अगर हुआ तो वो होगा पुनर्जीवित पहाड़ों में। तुम्हें उसे वहां तलाशना चाहिए। क्या तुम देख सकती हो? मैं पुनर्जीवित पहाड़ों में? हाँ तुम। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पर इसके लिए जैसे मैं क्यों? ही तुम पुनर्जीवित पहाड़ों के अंदर दाखिल होगी तो पूर्वजों के हिसाब से तुम्हें सच्चाई का मुंह ढूंढना होगा। पत्थरों की खुदाई के बीच फुसफुसाहट की और रहस्य भरे कानों के पास जाना होगा और उन आंखों की रोशनी को निहारना होगा। मुंह को बोलने देना ताकि कान सुन सके, मुंह को बोलने देना ताकि रोशनी चमक उठे, ऐसा करना ताकि पहेली सुनी जा सके। एलन, अब वक्त तुम्हारा गुलाम है, समझदारी से इस्तेमाल करना। क्या आप साथ आएंगे? मैं साथ गया तो तुम कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें किसी और को साथ ले जाना चाहिए। इसी वजह से वो ही दिन मेरी जिंदगी में वापस आता रहता है। क्या तुम घोड़ों को तैयार करोगी? 3 घोड़े एक राजकुमार के लिए भी? तो क्या ये सच है? तुम आज से पहले भी क्या वहां पर जा चुकी हो? मुझे इस बात पे विश्वास करना चाहिए एलन। एलन, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो तुमने पहले कभी किसी को नहीं बताया होगा। राजकुमारी जी, आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। चेतावनी दो, चेतावनी दो।
रास्ता यहां खत्म हो गया है, यहां से हम पैदल जाएंगे। चलो आ जाओ। शुक्रिया। वो वहां दूसरी तरफ होगा, सच्चाई का मुंह। क्या बात है, पर वहां कैसे जाएंगे हम? क्या तैर कर? जवाब यहां पर है लेकिन अधूरा है। वो वहां एक और भी है। आखिर क्या मतलब है इसका? ये पहली रूनिक लिपि है, इसका अर्थ खोजना बहुत ही कठिन होगा। ये क्या है? अगर तुम्हें रास्ता पता है तो तालाब से कहो और खुद को निर्देशित करें। हमें रास्ता पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, बोलना नहीं है, लिखना है। लिखना है। अगर तुम्हें रास्ता पता है तो उसे लिखो। अगर तुम्हें पता है रास्ता, मतलब अगर तुम जानते हो तो। अब आगे क्या? अमेलिया, तुम तो एक सच्ची रसायनक बन गई हो। खैर, अभी तो नहीं। आर्किबोल्ट के हिसाब से अभी एक और इम्तिहान पास करना है, पर मुझे पता नहीं कि वो क्या होगा। आर्किबोल्ट ने तुम्हें क्या संकेत दिया था? वो क्या था? उन्होंने कहा था मुंह को बोलने दो ताकि कान सुन सकें, मुंह को बोलने दो ताकि रोशनी चमक सके, ऐसा करो ताकि पहेली सुन सको। तुम्हें क्या चाहिए एलन? वो पुराना कुंडलित लेख। 100 कदम फुसफुसाहट की ओर चलो जब तक तुम दूसरे तालाब तक न पहुंच जाओ। वहां तुम्हें रहस्यों से भरा एक कान मिलेगा। वहां तुम्हें वो सच बोलना होगा जो दूसरे सुनना चाहते हैं, पर वो अपने डर की वजह से तुमसे पूछते नहीं। 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98। एलन पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूं। आ जाओ। आराम से।
वो सच्चाई बताओ जो दूसरे सुनना चाहते हैं पर कह नहीं पाते अपने डर की वजह से। छुपा हुआ सच, एक रहस्य है। एलन, इस कान को अपने रहस्य के बारे में बताओ। ये दिन बार बार हर बार जी रही हूं मैं। ये तो हमें पता ही है। मैं बोलूं? ये एक राज है तो आप लोग थोड़ा दूर चले जाइए। हो गया? नहीं, मैंने उम्मीद की है कि अगर मैं राजा रॉबर्ट की मदद करूंगा तो वो एलन का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। हो गया? हाँ। क्या हो गया? अब हमें मदद की जरूरत है। मैं हुक्म देती हूं तुम्हारी बेटी को डर में जीने का। उसके 20वें जन्मदिन पर जब रोशनी की आखिरी किरण तीसरे पहाड़ के पीछे ढलेगी तब तुम्हारे महल को अंधेरा निकल जाएगा। ध्यान रखना इस मरती हुई रोशनी का, बना लेना रात में, निराश मत होना, तुम श्राप को तोड़ोगी शांति में, रात जागती है। वो सच्चाई कहो जो और लोग सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुनते उनके डर की वजह से। लेकिन नहीं सुनते उनके डर की वजह से। कोई और सलाह? नहीं, माफी चाहूंगा। मैं कल तक सोचता हूं फिर भी वो तुम्हारे लिए इतनी मददगार साबित नहीं होगी। ये एक दिलचस्प पहेली मालूम होती है। पहेली पहेली? बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सत्तानवे, अट्ठानवे, निन्यानवे। ये क्या सुनना चाहता है? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे ऊपर?
वो सच्चाई कहो जो दूसरे सुनना चाहते हैं पर नहीं कहते उनके डर की वजह से। तुम्हें मुझसे कुछ ऐसा पूछना होगा जो तुम पूछना चाहते हो, लेकिन ईमानदारी से। चलो भी, पूरा राज्य दांव पर लगा है, तुम्हें मुझसे तो कोई डर नहीं है ना? पूछो भी काल्डेरॉन के जॉन। मैं जानती हूं तुमने मेरे माता पिता को क्यों बताया था कि मैं चुपके से आर्किबाल्ड से रासायनिक तरीके सीख रही हूं। तुम जानती हो उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा? मुझे जलन हो रही थी। सच कहा। अमेलिया उस वक्त मुझे सिखाया जा रहा था कि तमीज में कैसे रहें और हील्स कैसे पहने, पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त को इजाजत थी कि वो आर्किबाल्ड से उनके जादू के तरीके सीखे और समझे। मैं सिर्फ तीरबाजी ही कर सकती थी और इसके लिए मैं लड़ना चाहती थी। मुझे माफ करना जॉन। अब तुम्हारी बारी। कहो भी। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पे बुलाना बंद कर दिया जब तुम 12 साल की हुई। नहीं, वाकई मैंने ऐसा किया? मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या ये वो सवाल था जो तुम पूछने से डर रहे थे? हाँ बोलो। तुम्हारा मतलब इस छोटी सी जादूगरनी में ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे होने वाले महाराज से? क्या तुम्हारे राज्य में भी तुम्हारे जैसे ही बहादुर होते हैं? क्या तुम्हारे पिता महाराज भी तुम्हारी ही तरह डरपोक है? बस बहुत हो गया, ये फालतू की बकवास नहीं सुनेगा। हिम्मत होनी चाहिए एक श्रापित राज्य में आने के लिए, वो भी उस दिन जिस दिन उसका अंत होने वाला हो, बस कुछ पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? क्या फर्क पड़ता है क्या पूछने के लिए? हे ईश्वर, तुम ये पूछने के लिए कि क्या पूछने कि के लिए? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती? ओह, ये कितनी प्यारी बात है। नहीं, तुम करो। क्या मैं क्या मैं तो फिर शायद मुझे नहीं पता। सही जवाब। एलन, जैसे ही छाया विपरीत तट पर पड़ेगी, तुम्हें तैरते हुए जाना होगा रोशनी से भरी आंखों की ओर। वहां तुम्हें वो कुंडलित लेख मिल जाएगा जो कोई भी दरवाजा खोल सकता है। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें नहीं पता? जल्दी करो एलन। आ,
एलन जल्दी करो। हमारे जाबाज चुड़ैल के शिकारी आने में देर कर दिया आपने। इस दरवाजे को खोलने से जादू भी खुल जाएगा, कोई राज नहीं छुपाया जाएगा और ना ही कोई नाराजगी रहेगी। लो खैर, ये हो गया। वो पुराना कुंडलित लेख। काफी दिमाग लगाया तुमने एलेन। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? तो तुम मेरी मदद करना चाहती हो? अपना श्राप वापस लो और हमारे राज्य से दूर चली जाओ। तुम कह रही हो कि तुमने इतनी परेशानी उठाकर वो पुराना कुंडलित लेख हासिल किया सिर्फ ये कहने के लिए? श्राप को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ तब तक जब तक तुम जिंदा हो। कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि तुम अपने पिता से ज्यादा चालाक हो, जानवर कहीं के। बस इतना ही? शायद तुमसे कोई गड़बड़ हो गई। वक्त आ गया है इंसान बनने का, वक्त आ गया है अमर होने का, एक पुनर्जन्म। शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, वो हमारी तरफ पीट करके खड़ी है। इससे पहले कि वो पलटे, हमें उसे मारना होगा। जॉन, तुम्हारे पास समय होगा खुद को छुपाने का और उसके पास जाने का। बस नीली रोशनी से बचकर रहना तुम। फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया। अमेलिया, क्या कोई ऐसा जादू है जो तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं रासायनिक हूँ। जादू करने के लिए हम जादू भरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कोई मंत्र नहीं। ये आर्किबाल्ड का है। अब फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। खंजर के इंतजार में मत रहो, हमें उस पर हमला करना होगा। रेंगना, मतलब रेंगना, समझे तुम?
उस शिकारी ने निडर होकर उस चुड़ैल का सामना किया, फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। और जैसे ही तीर क्रिस्टल से जाके टकराया, उसको चकनाचूर किया, तभी वहां से चुड़ैलों की सारी शक्तियां पूरी तरह निकल गईं और एक खतरनाक चीख निकली उस चुड़ैल के गले से। सुप्रभात राजकुमारी जी, हमें माफ करना, हम किताब को वापस कर देंगे। एक गुलाब, हमें गुलाब को नष्ट करना। तुम मुझे हरा नहीं सकती, तुम बस एक छोटी सी लड़की हो। तुम कुछ भी सोचो मुरीन, लेकिन मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। हर बार वापस आऊंगी जब तक तुम्हें हरा नहीं देती। तुम कह रही हो तुम वापस आओगी? उसका जादू मेरी दृष्टि का जादू है। मैंने तुम्हारे हाथ में पहला रूणिक गोद दिया है। तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए अब वक्त तुम्हारा गुलाम रहे, तुम्हारा मालिक नहीं। समय की दौड़, अगर मैंने इसे अभी तुम्हारे हाथ से हटा दिया तो तुम्हें लगता है तुम सुबह उठ पाओगी? सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ,
सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ। हम भागते भागते गिरने वाले हैं। मैं थक चुका हूं, जल्दी करो, बस हम पहुंचने वाले हैं। चल रहा हूं, जल्दी जल्दी करो, मैं और तेज नहीं भाग सकता। जल्दी जल्दी, आहिस्ता, इधर इधर। मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं। ये तुम्हारी तरकीब थी पुस्तकालय से किताब को चुराने की। अपने सर को ठीक करो जल्दी। उसने धनुष को खींचा और उस चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। सुप्रभात राजकुमारी जी। सुप्रभात मार्टिन। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। हाँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुक्रिया फ्रैंक। आप मेरा नाम जानती हैं? हाँ। राजकुमारी जी रुक जाइए, बाजार जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। ये बहुत स्वादिष्ट है, ताजे शहद से बनाया गया है, एक बार चखके देखिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी। शुक्रिया अनित। और एना और लुकास कैसे हैं? आपको उनके बारे में याद है? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। शुक्रिया। मार्टिन पकड़ोगे? और राजकुमारी जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं राजकुमारी। शुक्रिया मरिका। सुप्रभात राजकुमारी जी। सुप्रभात राजकुमारी जी, मेरे पास एक नया धनुष है, उसकी तार कंडरा से बनी हुई है, ये उस्तरे की धार से भी तेज है, जैसे तीतर के पंख झाड़ते हैं। चलो चलो इसे। जवाब है शांति। सुप्रभात मार्था। सुप्रभात राजकुमारी जी। आखिर ये सब क्या है? बाजार से आपकी चीजें लाई हूँ और एक गुलाब का फूल। क्या आप बाजार गई थी? और आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए?
यही वो सवाल है जिससे तुम डरते हो। अब बोल भी दो जरा। बोलो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता। ये तो अजीब है। क्या? वैसे मैं ये बोलती हूं पर मैं करती हूं। सही जवाब। अच्छा तो फिर मुझे चलना चाहिए। मैं जानती हूं कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे रास्ते से हट जाएं। मैं जानती हूं हमें अंदर किस चीज की जरूरत होगी। वो पुराना कुंडलित लेख। देखिए राजकुमारी जी, आप नहीं जानते। हम तुमसे इजाजत नहीं मांग रहे। तो ठीक है, आप जैसा चाहें राजकुमारी जी। अमेलिया, क्या मैं राजकुमार से कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सज्जनों, क्या आप लोग उस दिलचस्प पत्थर को देखना चाहेंगे जो वहां पर है? आ जाइए। चलो। मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही। हमारी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं थी, मेरा पहला प्रभाव काफी बुरा था, पर इस सब के बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या मैं करता हूं? हाँ जॉन, तुम करते हो। हाँ मैं करता हूं। मुझे पता है कि तुम कैसी हो एलन। हाँ तुम तानेबाज हो, कभी कभी तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती हो, लेकिन तुम अंदर से ऐसी नहीं हो। और हमारी पिछली मुलाकात सिर्फ तुम्हारे घमंड के बारे में नहीं थी। मेरे शब्दों को चुराकर तुमने मुझे बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और यह मुझे याद है। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से अलग है। क्या तुम्हें एक बात पता है, मेरी मां के गुजरने के बाद क्या हुआ था? वो तुम्ही थी जिसने मेरे अंदर छोटे से बच्चे को जिंदा रखा था। जिस वक्त मैं सिर्फ मौत के बारे में सोच रहा था, तुमने मुझे जीना सिखाया और एक नई जिंदगी दी। मुझे आज भी वो सारी बातें याद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सारा राज्य तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। पर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए उसके बाद? मेरी मां के गुजरने के बाद मेरे पिताजी पीछे हट गए, और मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे बात कर सकूं। तुम बुद्धू हो। तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं की, जबकि हम काफी समय से साथ में हैं। तुमने कभी नहीं कहा। चलो बाकी बातें बाद में, थोड़ा काम कर लेते हैं अब। उसके लिए काफी देर हो चुकी है। चलो जल्दी से चलते हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाओ। तुम फिर से आ गई? ये किस बारे में बात कर रही है? मेरी जान ले लो मुरीन, मैं अपनी आत्मा तुम्हें खुद अपनी मर्जी से देती हूं। तुम्हें ऐसा नहीं।
नहीं होगा। अमेलिया संभल कर। चौंक गई ना? तुम्हारा मुझसे कोई मेल नहीं है। हर चीज कुछ न कुछ पहली बार होती है। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? पर तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। पर वो मैं थी जिसने काले तूफान को बनाया, इसलिए ताकि तुम्हारी आत्मा को पा सकूं। मेरे पीछे छुप जाओ एलन। जॉन! एलन! ये क्या किया तुमने एलन? तुमने खुद को इसके लिए कुर्बान कर दिया। प्यार के लिए? तुम्हारा राज्य तो वैसे भी बर्बाद ही है। वो तुम हो जो बर्बाद रहोगी हमेशा। तुम कहां थी? क्या हुआ तुम्हें? मोरेन को मार डाला। आशा करती हूं कि मैं कल आपको इसके बारे में बता पाऊंगी। ये तो काला तूफान है आर्किबाल्ड। मुझे लगा हमने उसे वक्त पे खत्म कर दिया। मुझे भी लगा था। एक और आखिरी बार।
कीमियागरों का सम्माननीय संगीत जो जादू अस्पानिया के ऊपर किया गया था उसे तोड़ दिया गया। यहाँ आप जान सकेंगे सारी बातें मेरे रक्षात्मक जादू के बारे में जो मैंने समय का इस्तेमाल करके की हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जाना चाहिए कि राजकुमार के समय में खो जाने की कहानी के अंत को कई चरणों द्वारा एक नई शुरुआत के रूप में संपादित किया जाएगा। लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती, पुराने मूल्यों और प्यार की बहाली लाने वाले एक नए युग का जन्म होगा। ऐसा प्यार जो हर दिल में एक नए और सुखद भविष्य की आशा लाता हो, और मेरे दिल में भी सच में आपका अपना अस्पानिया के राज्य का प्रमुख कीमियागर।